वेलोसिटी का वैल्यू कितना है? अच्छा नियरली 32। कितना? 32? इतना यस कम? क्या 32 बहुत कम हो गया। क्या दिस इज कमिंग आउट टू बी अराउंड 2.9 × 10⁶ मीटर पर सेकंड। यू कैन चेक ऑइस वन सेकेंड कहाँ गलती क्या, बिकॉज दिस मास ऑफ प्रोटॉन बहुत कम होता है। सो द वेलोसिटी इज 3 × 10⁶ मान सकते हैं। सो रिलेटिविस्टिक करेक्शन मतलब व्हेन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल बिकम्स अप्रोच द स्पीड ऑफ लाइट देन दिस करेक्शन इज रिक्वायर्ड। तो बेसिकली जो हमारा मास होता है इट चेंजेस एट एक्सट्रीमली हाई स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट के पास जाएंगे तो मास चेंज होता है। बट नाउ हियर द स्पीड इज वेरी लेस कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट, वी कैन बी रिटन एज अप्रोक्सीमेटली 3/100। ठीक है, सो बिकॉज इट इज वेरी लेस कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट वी कैन निगलेक्ट द रिलेटिविस्टिक करेक्शन। तो इसका आंसर होगा नो, वी डोंट रिक्वायर रिलेटिविस्टिक करेक्शन। ओके सब समझ में आ गया, कोई डाउट इसमें? इज इट क्लियर अविंशु? रिया क्लियर है? यस अविंशु क्लियर है तो? यस सर। ओके द थर्ड इज an electron with kinetic energy 22.5 electrons using a region of magnetic field theta diya hua hai. Okay, so this is a easy question, right? Pitch ka bas formula nikalna hai. So pitch is v parallel into time period. Okay, you know time period is 2 pi m by qb. Right. And B parallel कैसे निकलता? So this is the magnetic field, this is the velocity, this angle is theta. So इसके parallel component ये वाला होगा, perpendicular component ये वाला होगा. ठीक है, this is B parallel, B perpendicular. सभी पैरेलल वैल्यू वी कॉस थीटा, तो एनी सब्स्टिट्यूट सबका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन सिमिलर क्वेश्चन है, बस फार्मूला अप्लाई करना है इसमें। सो यू हैव टू रिमेंबर द फार्मूला फॉर पिच, टाइम पीरियड एंड दूसरी चीज क्या होती है, रेडियस। रेडियस फार्मूला, दिस इज रेडियस का फार्मूला क्या होता है, एम वी परपेंडिकुलर लाइक यू। एनी मस्ट ऑलमोस्ट ऑलवेज नो कि यहाँ पे वी पैरेलल क्लियर है, यहाँ पे कि वी परपेंडिकुलर क्लियर है, ये पता नहीं चाहिए। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज a metal cube moves with a constant velocity v 4 meter per second and d equals to 1.5 centimeter uniform magnetic field of 0.05 tesla. Find which face of the cube is at higher potential and find the potential difference. So let me do this fourth question.
So we have a cube here like this. This is moving rightwards with a speed v, 4 meters per second. Okay. And this distance is given as 1.5 centimeters. And there must be a magnetic field also. In a uniform magnetic field of 0.05 tesla. So magnetic field will be pointing inside. Okay. So now if you see any electron in the cube, so this electron, is its velocity a direction now? Magnetic field a direction now? So we can have V cross B like this. So it will be pointing down. But because it is electron, so jo hamara force uska direction kya hoga? Magnetic force ka. What is the direction of magnetic force? Yes, Bhati. Direction of magnetic force. Yes, Avinash. क्या होगा मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन? कैसे निकालते हैं हम लोग? V क्रॉस B. फर्स्ट यू पुट योर फिंगर्स अलोंग द वेलोसिटी डायरेक्शन, कर्ल योर फिंगर्स टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज V क्रॉस B. एंड देन उसके यू हैव टू टेक इन टू अकाउंट द साइन ऑफ चार्ज. Okay, just a second. Laptop. So net khatam ho gaya tha. Theek hai. So magnetic force ka direction kya hoga electron ki? देखो अभी नहीं बता पाएंगे तो एग्जाम भी नहीं बता पाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं. पता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस इलेक्ट्रॉन? थोड़ा बड़ा कर देते. Here is the velocity vector. The magnetic field vector is pointing inwards. So V cross B will be pointing upwards. But E se multiply karenge minus E se, so it will be pointing downwards. That means the magnetic force will be pointing downwards. Okay. So thus the electrons, they will get attracted downwards. So on this face there will be negative potential, negative charge. That is why here top face there will be positive charge. ठीक है, समझ में आ गया? रवि तो हाँ बोल दो. यस सर, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर. रोइंग से क्या बाकी लोग? हमेशा आ रही है ऐसी.
उसका डेफिनेशन इज क्यूवी क्रॉस वी रे. सो वी क्रॉस वी का डायरेक्शन ऊपर होगा एंड द इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज सो माइनस ही होगा. सो दैट इज अ नेगेटिव साइन कैसे नीचे हो जाएगा फोर्स का डायरेक्शन. ओके क्या निकालना था अभी इसमें. फाइंड द फेस विच इज हायर पोटेंशियल तो ऊपर वाला फेस होगा एंड फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस. तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे. हाउ विल यू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे. Find potential ओके समझ आ गया. सो यू कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड है वी बाई डी ऐसे लिख सकते हैं. नाउ आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन. When there is sufficient potential difference created, so the electron they'll experience a magnetic force downwards, but they'll also experience a electrostatic force upwards, and thus that electron will come into equilibrium after some time. पहले कुछ electrons ऊपर चले जाएंगे, some electrons will go downwards, but as this process happens, due to the separation of these two charges, there'll be electric field produced. इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होगा. सो इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स शुड बी इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स. तब जो इलेक्ट्रॉन्स है पूरा स्टेबल हो जाएंगे. ओके सो दिस इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स. सो दिस इज क्यू इनटू ए इक्वल टू EVB. So you can write P as V into B. So this can be written as V, V into B. Potential difference across these two factors. So this is a very important concept as you can see. Pehle, there was no separation of charges. So there was no electric field before. But as these electrons are moving with the cube, some electrons they go downwards due to which the positive charge is generated upwards. Okay. So slowly, slowly, the potential difference increases होगा with time. And due to this potential difference, then there will be electrostatic force also upwards. And finally, जब
इक्विलिब्रियम होगा तो दोनों फोर्सेस इक्वल होने चाहिए, तभी स्टेबल हो जाएगा. ओके, दिस क्वेश्चन नंबर 4. नाइस क्वेश्चन, समझ में आया? कोई डाउट इसमें? इज दिस क्लियर? ओके, 5:30 हो रहा है, यू मोर टाइम. सो नेक्स्ट वाला करते हैं. Figure shows a metal cuboid that is to move with certain speed v in uniform magnetic field. Possible direction are along x, y, z axis. Find potential in each case and for all possibilities, find the phase which are lower potential. Okay. तो सिक्स क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग है. तो ना हमको क्यूबॉइड दे देंगे, ओके. इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. सो दिस डिस्टेंस इज गिवन एज डी, दिस इज 2d, 3d. Now suppose this Q moves in the Z direction. Okay. So जब Q Z direction move करेगा cube, so the electron it will. इसके लिए मेरा potential difference कितना आ जाएगा उसके इसमें? This will be Vp into 2D. Magnetic field का direction भी है क्या? Towards the right there. तो इसमें क्या हो जाएगा? This is the velocity vector in magnetic field. कैसे करेंगे? तो द इलेक्ट्रॉन्स बी क्रॉस बी, सो द इलेक्ट्रॉन्स विल फेस अ फोर्स डाउनवर्ड्स. यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा पहले, एंड हियर देयर विल बी पॉजिटिव चार्ज. द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी वी पी इंटू 2d. ऐसे ठीक है. नाउ व्हेन दिस इज मूविंग ऑन जेड डायरेक्शन, सपोज स्टार्ट टू मूव ऑन एक्स डायरेक्शन, यस ओके. So if it moves on the x direction, the velocity and magnetic field are in the same direction. So magnetic force nahi lega.
In this case, there is no potential difference. If potential difference, the magnetic field ka direction change kya to ho sakta hai? And if you move in the positive y direction, so in that case the potential difference will be. So color change karna hai. So if you move in positive x direction, the magnetic force will be zero. Potential difference zero होगा दोनों फेस के बीच. And if you see in the y direction, if you move in the y direction, so we can directly get the potential difference. This will be V B into D. ऐसे होगा. तो द लास्ट प्रॉब्लम में जो कंसेप्ट सीखा था उसे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं. सो देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस इन ऑल द थ्री केसेस. सबसे लोअर पोटेंशियल होगा जब एक्स डायरेक्शन मूव करेगा सेम डायरेक्शन एज मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, समझ आ रहा है? तो इज दिस क्लियर रिया? Amisha? Yes, sir. Amisha, is this clear? Yes, sir. Okay. So this is question number 5. ठीक है. Now sixth question बहुत important है. So in this we have to find out the magnetic moment of the falling bodies. So first is a disc having charge q, mass m, radius r, rotated with angular velocity omega about its axis. So is a disc. Rotating with angular velocity omega. Radius is capital R. Charges q. So इसमें हमारा simple definition is v m equals to I into a, है ना? But now this is a disc, so this disc has charge which is uniformly spread throughout the disc, right? So अगर रिंग होता तो इजी होता. रिंग के लिए हम लोग चार्ज निकाल सकते थे क्यू बाई टी करके. बट नाउ बिकॉज दिस इज अ डिस्क हम लोग डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं. देयरफॉर थोड़ा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. यू हैव टू अप्लाई इंटीग्रेशन. ओके, सो आई विल डू द फर्स्ट वन फॉर यू, बाकी आप कर सकते हैं. Supposing I take a ring like this, okay. The radius is smaller, thickness is bigger. Okay. So now the small charge on this ring will be dq equals to. So the total charge on the ring is q, and total area is pi r square. So this can be written as q by pi r square, charge per unit area, multiplied by the area of this small part, pink part. So this is 2 pi r into dr. Okay. तो अभी टाइम आपको जो इंटीग्रेशन है अभी आपको ग्रिप लाना पड़ेगा इसमें.
हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत किए थे इंटीग्रेशन नाउ आल्सो वी आर डूइंग सो इफ यू गेट अ ग्रिप एक्चुअली एवरीथिंग देन ग्रेविटेशन विल आल्सो बिकम इजी रोटेशन आल्सो बिकम इजी सो इवन इंटीग्रेशन आपको ग्रिप आना चाहिए कि हाउ टू टेक द एलिमेंट एंड देन हाउ टू प्रोसीड सो नाउ द स्मॉल चार्ज ऑन दिस स्मॉल रिंग विल बी dq So now the magnetic moment of this small part will be minus dq by time period 2 pi by omega ये current हो जाएगा multiplied by the area of this ring small ring so this will be pi r square ठीक है कितना रहा हमारा दिस कैन बी रिटन एज 2 क्यू आर डी आर बाय कैपिटल आर स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा डिवाइड बाय 2 सो दिस 2 विल आल्सो गेट कैंसिल इनटू आर स्क्वायर इनटू ओमेगा ठीक है सो दिस कैन बी रिटन एज क्यू ओमेगा बाय आर स्क्वायर आर क्यूब डी ओके सो नाउ इफ यू इंटीग्रेट यू विल गेट द वैल्यू The net magnetic moment can be written as q omega by r square is r raised to 4 by 4. Oh, sorry, smaller होगा capital R. This smaller raised to 4 by 4. Now, what will be the limits? इसके limit क्या लेंगे? We want to make the entire disk from this small ring ठीक है तो क्या करना पड़ेगा पहले एक छोटा सा रिंग लेना पड़ेगा जैसे थोड़ा बड़ा रिंग इससे थोड़ा बड़ा रिंग इससे थोड़ा बड़ा रिंग सो लाइक दिस एज यू कीप इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द रिंग विल गेट द डिस्क स्लोली स्लोली सो वी हैव टू टेक द रेडियस फ्रॉम जीरो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जीरो रिंग मतलब टू इंक्रीजिंग टू द कैपिटल आर रेडियस ऑफ द कैपिटल डिग्री ठीक है सो दिस कैन रिटन एज क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाय 4 ठीक है ऐसा है सो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट द मैग्नेटिक मोमेंट फॉर अ डिस्क इज दिस क्लियर और इज शी हैविंग शो क्लियर Yes. Now second part कर सकते हैं non-conducting cylinder एक और कर देते हैं बाकी तीन आप कर सकते हैं non-conducting cylinder of inner radius A outer radius B length L so we have a non-conducting cylinder like this So this is not a normal cylinder. It has inner radius, outer radius. This is inner radius A, outer radius B. This length is L. And the charge is stored here in between. Okay. So again, you want to find out the magnetic moment. So, what should be the element? Element kya lena padega?
मैग्नेटिक मोमेंट इज आई इनटू ए. नाउ इसके लिए हमको एक छोटा एलिमेंट लेना पड़ेगा, तो व्हाट शुड बी दैट एलिमेंट? यस, कोई बता सकता? देखो अभी आपको ट्राई करना पड़ेगा, इफ यू डोंट ट्राई ना कभी नहीं होगा अभी. सो नाउ इज द टाइम यू हैव टू गेट ग्रिप इन दिस इंटीग्रेशन. थोड़ा थोड़ा सोचो कैसे हम लोग ये सिलेंडर को बना सकते हैं छोटे छोटे एलिमेंट्स में. सो बताइए कैसे कर सकते हैं, व्हाट शुड बी माई एलिमेंट? सो एलिमेंट से वी हैव टू मेक द एंटायर सिलेंडर, तो एलिमेंट छोटा होना चाहिए. एन एलिमेंट का शेप क्या होना चाहिए? ये समीक्षा आ रही है. सो सर्कुलर डिस्क. सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर डिस्क से आप सिलेंडर कैसे बनाएंगे? तो बहुत सारे डिस्क यूज करने से तो एक सिलेंडर फॉर्म होगा ना. ओके, तो आप बोल रहे कि ऐसे एक डिस्क ले लो एंड देन फिर इसको लेके ऐसे बना, ये बोला ना. ठीक है, बट इससे हमारा करंट निकाल सकते हैं हम लोग, करंट निकालना मुश्किल है ना. बिकॉज वाई? बिकॉज इन दिस फॉर डिफरेंट डिफरेंट रेडियस, अलग अलग रेडियस के लिए अलग अलग चार्ज होगा, उसके लिए अलग अलग करंट होगा, अलग अलग मैग्नेटिक मोमेंट होगा. तो अगर आप पूरे डिस्क को एक एलिमेंट लेते हैं तो इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट मैग्नेटिक मोमेंट. ठीक है, बट दिस मेथड इज ऑल्सो ट्रू. अगर आपको मैग्नेटिक मोमेंट नहीं निकालना था देन वी कुड हैव यूज दिस. ठीक है, सो दिस वन मेथड टू गो. नाइस, वेरी गुड भैया. नाउ और कौन सा एलिमेंट ले सकते हैं टू मेक दिस सिलेंडर? Sir, any small angle along the axis of the cylinder and the height of the cylinder, a small element of the height of the cylinder. Small angle? Yeah, means d theta into dh, means dl. Angle kahan pe hai? Kiske saath hai? Aise? D theta. This is ds. No. If we take if we take the axis of the cylinder and the radius of that cross section is making a angle, if we take a angle small d theta and the from the whole height of the cylinder we take a small element dl, then is it d theta dl? Aise bol rahe kya? This angle is d theta and this length is dl. Yes, sir. उसका जो सरफेस है, मतलब इन दैट सर्कुलर सरफेस, उसमें अगर एक स्मॉल एंगल डी थीटा लिया जाए. सर्कुलर सरफेस, लेट मी ट्राई कैसे बना रहा है. ऐसा बोल रहा है? यस सर. हाँ, देन द डी थीटा. तो दो दो वेरिएबल हो गए, इसमें डबल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. टू वेरिएबल्स, थीटा एंड एल. डबल इंटीग्रेशन आपके सिलेबस में नहीं है अभी, बट स्टिल इट्स अ गुड ट्राई. इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि हमारा यहाँ का पार्ट हॉलो है बीच में, एंड देन उसके ऊपर का पार्ट इज फिल्ड,
So here there should be hollow. So ये element में problem क्या है कि we cannot consider this hollow part and this part is filled, है ना? Yes sir. Okay. फिर भी अच्छा try था. इसमें double integration करना पड़ेगा. जो इसका भी tension है कि जरूरत syllabus में. Sir, then we have to use that Gauss law that we have implemented for the cylinders. Gauss law. Means Gauss law में जैसे हम integrate किए. हाँ तो बस element क्या लेना है वही हम पूछ रहे हैं. That is the question. What should be the element? Basically, here the element will be also. You will take a cylinder only. Thank you. So if you take a cylinder like this. इसका रेडियस आर है, थिकनेस इज डी आर. सो नाउ व्हेन वी वेरी द रेडियस फ्रॉम ए टू बी देन वी विल गेट द एंटायर सिलेंडर. ठीक है, तो ये एलिमेंट ले सकते हैं. सो नाउ वी कैन राइट मैग्नेटिक मोमेंट, स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट एज आई इन टू ए. आई कैन बी रिटन एज dq wagon iska agar angular velocity omega hai this 2 pi by omega into the area of this cylinder. Na kaun sa area lenge sir? We have to take an imaginary ring. Ring is a cylinder. सिलेंडर है यहाँ भी तो है. ठीक है, सो व्हाट इज द एरिया फॉर दिस? द एरिया विच यू टेक इज फायर स्क्वायर. सो सेम डायग्राम यू सी. सब लोग हैं क्या? Aaron is there. We are having some issue. ठीक है. So if you consider the same element, अगर हम उसको बाद में देखेंगे, तो भी कैसे होगा? So this is our element. The radius is R, this is there. So this is the area from which the magnetic moment is calculated. So area pi r square होगा? Pi into small r square. अब ये क्वेश्चन है कि ये वाला एरिया क्यों नहीं ले रहा? सर्कस एरिया में तो है. That also you can take, right? Here also you can take. What is it? So, फिर से बोलिए. Why are you not taking curved surface area? Curved surface area होता है ना? Two pi r. हाँ sir. तो उसको क्यों नहीं ले रहा? We can think about this. Why not to fire?
ठीक है. So now dq can be written as again charge q now this charge is q is distributed throughout the entire volume of the cylinder so pura volume ho jayega this will be pi into v square minus a square into l मल्टीप्लाइड बाय ये छोटे से सिलेंडर का वॉल्यूम तो दिस विल बी पाई आर स्क्वायर इनटू डीआर ना ना पाई आर स्क्वायर इनटू डीआर नहीं दिस विल बी टू पाई आर इनटू एल इनटू डीआर बिकॉज टू पाई आर ईयर लेंथ हो गया मल्टीप्लाई बाय डी आर दैट इज द स्मॉल एरिया ऑफ द स्ट्रिंग एंड मल्टीप्लाई बाय द लेंथ एल ठीक है सो दैट विल मेक द एंटायर सिलेंडर ओके एंड डिवाइडेड बाय टू पाई बाय ओमेगा इनटू पाई आर स्क्वायर तो जगह आर स्क्वायर बाय ओमेगा तो इन्हें सॉल्व दिस आपका आंसर आ जाएगा ठीक है इसके लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा आर वी वेरी फ्रॉम ए टू बी तो इन्हें इंटीग्रेट यू विल गेट द आंसर ओके ठीक है तो So now this is the discussion for the homework, classwork problem. So आप लोग try कीजिए. Question 6 का C, D या नहीं, you try. These three you try. And also question number 7 you try. 8 नहीं कर पाएंगे, but 7 try करो. So these two is homework for till next class. Okay. And जो और कुछ homework हो गया तो हम group में डाल देंगे उसको. So I'll just share the notes also अभी I'll share everything don't worry जो भी discuss किया पूरा share कर देंगे और क्या था हाँ HCR में का status क्या है कितना हो गया HCR में yes HCR कितना हो गया current electricity हो गया सबका सब कर रहे हैं अरे कब तक करेंगे इसको आज की तारीख है 27 तक ना तो इसको बैठने दे खत्म कर दो चलो करंट रख से ओके तो ये हो गया सो एज सून एज यू डू दिस देन वी विल डिस्कस द असाइनमेंट आल्सो असाइनमेंट प्लस एलसीवी वी विल डिस्कस ऑन वेडनेसडे ठीक है तो ये कर लो इसको इसके मैग्नेटिक फील्ड भी आना है ना तो आई गिव आफ्टर दैट आई गिव असाइनमेंट फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो बट पहले ये करना पड़ेगा तभी आगे बढ़ सकते ओके तो ये आपको होमवर्क है सो दोस थ्री क्वेश्चन एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी ठीक है सो लेट अस कीप वेडनेसडे फॉर डिस्कशन ओनली जो भी डिस्कस करना है उस दिन डिस्कस कर लेंगे ओके ऐसा है तो और कुछ पूछना है किसी को कुछ बताना है संडे जो टेस्ट होगा वो करंट इलेक्ट्रिसिटी से होगा या मैग्नेटिक फील्ड करंट से मैग्नेटिक फील्ड से दोनों से होगा ठीक है ओके मैग्नेटिक फील्ड में जितना क्लास में पढ़ा है उसे पूछेंगे उससे ज्यादा नहीं सो लाइक दिस
अगर वेंडर डे को डिस्कशन नहीं हो जाता तो आईएलटीएस कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड, बट मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा है क्या? ये तो करंट से ज्यादा है क्या? ऐसा है. ओके सो ठीक है, तो क्लास एंड करते हैं. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू ऑल. विल मीट ऑन वेडनेसडे. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू एवरीवन.